इन दिस सेक्शन आई विल एक्सप्लेन वेरियस फैक्टर्स दैट कैन कॉज प्रशन डेवलपिंग दैपिटल स्ट्रक्चर और द फाइनेशियल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म सो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में एक ही तरीके का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं एक्टी का और फाइनेंस का अगर फॉर एग्जाम्पल किसी फर्म ने कहा कि हम फिफ्टी परसेंट एक्विटी ले लेते हैं फिफ्टी परसेंट डेट ले लेंगे और इस तरह से हम अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर लेंगे अपनी फर्म को चला लेंगे किसी ने सिक्सटी फोर्टी का रेशियो रखा हुआ है किसी ने सेवेंटी थर्टी का रखा हुआ है तो इस पर जो फ़र्क हमें देखने को मिलता है कि पीपल गो फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इसके पीछे वजह क्या है तो देर आर सर्टन फैक्टर्स जो कि कैपिटल स्ट्रक्चर के आसान फार्मूला के ऊपर एक ही स्टैंडर्ड फॉर्मूला इस्तेमाल नहीं करने के लिए आपको पैदा करते हैं या रुकावटें पैदा करते हैं और उसमें सबसे अहम जो हमारे पास एक फैक्टर है इनकम इनकम टैक्स टैक्स सो आपको पता है कि लेवी होती है तमाम तरह के प्रोडक्ट या सर्विसेज के ऊपर यूनिफॉर्म नहीं लेवी होती इट डिपेंड्स अपॉन द फिजिकल पॉलिसी ऑफ दैट गवर्नमेंट कि वो किन प्रोडक्ट्स के ऊपर किन तरह की प्रोडक्ट कैटेगरीज को वो फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं किसी कैटेगरीज के ऊपर वो सब्सिडीज दे देते हैं कहीं वो टैक्सेस को सॉफ्टन कर देते हैं कहीं वो टैक्सेस को हार्ड कर देते हैं उनकी परसेंटेज को बढ़ा देते हैं कहीं रिग्रेसिव होती है कहीं प्रोग्रेसिव होती है तो जब टैक्स की शराह बदलती है तो उससे डिफरेंट सेक्टर्स की डेट फाइनेंसिंग और एक्विटी फाइनेंसिंग का डिसन डिपेंड करता है कि हमें एक्विटी फाइनेंसिंग करनी चाहिए उसमें हमें ज़्यादा फायदा पहुंचेगा या हमें डेट फाइनेंसिंग करनी चाहिए ज़्यादा प्रोपोर्शन में उससे हमें ज़्यादा फ़ायदा पहुंचेगा ये डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर फर्म के लिए या उस पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर के लिए सरकार की हुकूमत की इनकम टैक्स की पॉलिसी क्या है तो इनकम टैक्स की पॉलिसी को मद्देनज़र रख के फिर जो मैनेजर्स होते हैं या फाइनेंशियल जो एडवाइजर्स हैं वो ये फैसला करते हैं कि एक्विटी और डेट का जो प्रोपोर्शन है वो क्या तयन होना चाहिए कैपिटल स्ट्रक्चर को कैसे डिफाइन करना है कि इस पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें हम ऑपरेट कर रहे हैं उसमें हुकूमत की इनकम टैक्स की पॉलिसी इस तरह से है तो उस पर चूंकि ये उस पर डिपेंड करती है उससे इफेक्ट होती है इसलिए वी हैव टू लुक एट दिस पर्टिकुलर एस्पेक्ट एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग विच कैन इंफ्लुएंस द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म इज द ट्रांजेक्शन कॉस्ट ऑफ इशंग डेट और एक्विटी सिक्योरिटीज हमने ट्रांजेक्शन कॉस्ट को बहुत तफसील से पहले कुछ सेक्शंस में डिस्कस किया था ट्रांजेक्शन कास्ट वो तमाम तरह की कॉस्ट होते हैं जो कि आप कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट को इन्वेस्टर तक पहुँचाने में बेचने में आप पे करते हैं इट कैन बी ब्रोकरस फी इट कैन बी एनी कमीशन इट कैन बी कोई भी जो उसकी प्रिंटिंग वगैरह के लिए इस्तेमाल हुई हुई है कॉस्ट वो तमाम चीज़ों को मिला के हम ट्रांजेक्शन कॉस्ट कहते हैं तो अगर आपने डेट के लिए सिक्योरिटीज़ बनाए हैं या एक्विटी के सिक्योरिटीज़ बनाए हैं उस तमाम प्रोसीजर को बेचने तक खरीदने तक के अमल में जो भी आपको एक्सपेंसेस बियर करने पड़ेंगे वो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कहलाते हैं तो चूँकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट विल वेरी फ्रॉम कंपनी टू कंपनी फ्रॉम मार्केट टू मार्केट फ्रॉम कैटेगरी टू कैटेगरी हेंस दैट आल्सो फ्रिक्शंस एंड दैट आल्सो इन्फ्लुएंस द ओवरऑल कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फॉर्म तो तीसरी एक और अहम बात है जो कि इन्फ्लुएंस करती है कैपिटल स्ट्रक्चर को जो कि फ्रिक्शन कॉज करती है एंड दैट इज

कि जो शेयर होल्डर्स हैं वो उनकी ऑब्जेक्टिव होती है कि वो किस तरह से अपने रिटर्न्स को या प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर सके उनका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि वो इन्वेस्टमेंट करते हैं इस ऑब्जेक्टिव के साथ किसी भी सिक्योरिटी के अंदर या किसी भी शेयर के अंदर ताकि उनकी जो रिटर्न जो उनको मिलेगी एट द टॉप ऑफ व्हाट दे हैव पेड वो मैक्सिमाइज हो सके बट ऑन द कॉन्ट्री जो उस पर्टिकुलर बिजनेस के लिए फैसला साजी करने वाले लोग हैं जो के मैनेजर्स हैं या फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं उनके वो उस तरह के फैसले लेते हैं जिससे उनको सबसे ज्यादा फायदा पहुंचता है तो यहाँ कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट आ जाती है तो दैट आल्सो रिजल्ट्स इन फ्रिक्शंस इन डिफाइनिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ फर्म तो टुगेदर हमारे पास जो अहम तरीन अवामिल हैं जिनकी मदद से हम कैपिटल स्ट्रक्चर को देखते हैं कि वो उनसे असरअंदाज होता है या वो उनके लिए प्रशंस पैदा करते हैं उनमें हमारे पास इनकम टैक्स का स्ट्रक्चर है फॉर दैट पर्टिकुलर सेक्टर जिसमें हमारा बिजनेस ऑपरेट कर रहा है फिर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हमें कंसीडर करना पड़ता है और उसके बाद हमें जो बहुत अहम एक और एलिमेंट है दैट इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द वेरियस स्टेक होल्डर्स और उनमें जो प्राइमरी स्टेक होल्डर्स है मैंने आपको बताया इसमें वो हैं जो कि एक्चुअली बिजनेस को रन करने के लिए फैसला करते हैं और दूसरे वो लोग हैं जो कि इन्वेस्टर्स हैं अब इन्वेस्टर्स जो हैं वो पैसा देते वो फैसला नहीं कर सकते और जो फैसला साज लोग हैं उनकी उनकी इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुए होते बहुत ज़्यादा यूजुअली वो तनख्वाह लेने वाले लोग होते हैं तो उससे वहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाती है जिससे कैपिटल स्ट्रक्चर की स्ट्रक्चर में आपको फ़र्क देखने को मिलता है जो मिक्सचर है जैसे मैंने आपको पहले बताया शुरू में कि ऐसा नहीं हो सकता कि सारी फर्म्स

एक्विटी का और डेड फाइनेंसिंग